गुड मॉर्निंग थर्ड क्लास. टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आवर चैप्टर. हमने जो अपना कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट किया था, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट, इस चैप्टर का आज हम सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे, रिक्वायरमेंट्स फॉर एन इंटरनेट कनेक्शन. इंटरनेट कनेक्शन की हमें जो है क्यों ज़रूरत पड़ती है, इस चीज़ इस टॉपिक से स्टार्ट करेंगे अपना सेकेंड वीडियो. टू कनेक्ट योर कंप्यूटर टू द इंटरनेट यू नीड द फॉलोइंग थिंग्स. अपने कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए आपको इन चीज़ों की जरूरत होती है. फर्स्ट है कंप्यूटर, ठीक है, अ मॉडेम और अ नेटवर्क कार्ड, कंपनी प्रोवाइडिंग इंटरनेट कनेक्शन, ठीक है, और टेलीफोन और केबल लाइन और सॉफ्टवेयर, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको आपके कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए आपके कंप्यूटर में होनी चाहिए. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वेबसाइट्स. अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस इज नोन एज वेबसाइट, ठीक है. बहुत सारे वेब पेजेस का कलेक्शन क्या कहलाता है, वेबसाइट कहलाता है. इट प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन, वेबसाइट्स पे हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है. वेबसाइट इज लाइक अ बुक दैट कंटेन्स मैनी पेजेस, ठीक है. वेबसाइट जो एक बुक की तरह होती है जिसमें बहुत सारे पेजेस होते हैं, ठीक है. वेब पेज क्या होता है, अ वेब पेज इज द बेसिक यूनिट ऑफ अ वेबसाइट, ठीक है. वेब पेज जो है एक बेसिक यूनिट है वेबसाइट का. इट कैन बी एन आर्टिकल और ऑर्डिनरी पेज और अ सिंगल पैराग्राफ, ठीक है. एक वेब पेज पे जो है कोई आर्टिकल भी हो सकता है, कोई नॉर्मल ऑर्डिनरी पेज हो सकता है, पैराग्राफ हो सकता है. इट इज़ यूजली अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट एंड ग्राफिक. जो वेब पेज होता है उसमें टेक्स्ट भी होता है, साथ में ग्राफिक्स भी होते हैं, एनिमेशन भी होता है. इट इज़ स्टोर्ड इन एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑन कंप्यूटर कनेक्टेड टू द इंटरनेट, ठीक है. इसको जो है इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट करके जो है कंप्यूटर में स्टोर करके रखा जा सकता है, ठीक है. आगे अब हम देखते हैं www जो है किसी भी वेबसाइट के आगे यूज़ होने वाला जो है एब्रिविएशन है, ठीक है. इसको जो इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है. www इज़ कॉमनली नोन एज वेब, ठीक है. इसको वेब भी कहा जाता है. इट इज़ अ वे ऑफ एक्सेसिंग इन्फॉर्मेशन ओवर द मीडियम ऑफ द इंटरनेट, ठीक है. इसके जरिए जो है हम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू. इट इज़ द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ वेबसाइट ऑन द इंटरनेट. इसमें जो है बहुत ज़्यादा कलेक्शन होता है इन्फॉर्मेशन का. वेब ब्राउजर क्या होता है, इट इज़ एन एप्लीकेशन दैट रन्स एट यूजर एंड फैसिलिटेट्स टू एक्सेस मैनी इंटरनेट रिसोर्सेज लाइक ई मेल, सर्च इंजन, ट्रेन एयर रिजर्वेशन, एग्जामिनेशन रिजल्ट, नेट बैंकिंग, ऑनलाइन शॉपिंग. तो जो वेब ब्राउजर्स होते हैं उसके ज़रिए हम इन सारी चीज़ों के बारे में सर्च कर सकते हैं, अपनी ट्रेन टिकट की जो रिजर्वेशन है उसको देख सकते हैं, जो एग्जामिनेशन के जो रिजल्ट्स आते हैं वो भी जो है वेब ब्राउज़र के थ्रू हम सर्च कर सकते हैं, ठीक है. तो जो है सर्च इंजन कहा जा सकता है वेब ब्राउज़र को. Using URL, the corresponding website is found. Web browser operate using HTTP protocol. Browser supports text, audio, video, animation. ठीक है, जो browsers होते हैं उसमें text, audio, video ये सब जो है available होता है, ये सारे features होते हैं. For displaying web pages, ठीक है, web pages को display करने के लिए जो है वो text, audio, video, animation सब चीज़ों का use करते हैं. Various types of web browsers are Microsoft Internet Explorer, Netscape Navigator, Mozilla, Firefox, Safari, Opera, Linux, ठीक है. तो ये कुछ जो है वेब ब्राउजर्स के नाम दिए हुए यहाँ पे. विद द हेल्प ऑफ वेब ब्राउजर्स द यूजर्स कैन एक्सेस सर्च इंजन्स एंड एक्सेस ईमेल्स एंड यूज़ ऑल द फैसिलिटीज़ ऑफ इंटरनेट, ठीक है. वेब ब्राउजर्स के थ्रू जो है हम वेब ब्राउजर जो सर्च इंजन का काम करता है, तो कुछ भी हम सर्च कर सकते हैं इसके थ्रू, और जो है अपने ईमेल तक पहुँच सकते हैं, अपनी ईमेल आईडी क्रिएट कर सकते हैं, और जो इंटरनेट है उसकी सारी फैसिलिटीज़ जो है बेसिकली वेब ब्राउजर के थ्रू गेन कर सकते हैं, ठीक है. इसी के साथ आपका जो ये चैप्टर है यहाँ पर फिनिश होता है.